इधर समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। ये कहा कि जैसे ही उन्होंने महिलाओं और दबे कुचलों के हित की आवाज उठाई, एक वर्ग विशेष के लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, उनकी हत्या की साजिश में शामिल हो गए हैं। कोई सिर काटने की सुपारी दे रहा, कोई हाथ काटने की सुपारी दे रहा। ये कहा कि ऐसे लोग साधु के वेश में आतंकी चेहरे हैं, इनकी पहचान कर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई, एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए, कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीप काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है।